नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। कई बार मेरे पास ये क्वेश्चन पूछते हैं छात्र कि भैया हम वर्किंग स्टूडेंट हैं, हम हाउस वाइफ हैं, कैसे तैयारी को मैनेज करें। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वर्किंग है या फिर मतलब वर्कर है तो इसका मतलब ये है कि उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप अपने वर्क को मैनेज करने में सक्षम है तभी तो आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, और हाउस वाइफ से बढ़िया कौन जो है टाइम मैनेजमेंट हो सकता है दुनिया में, जैसे बताइए मुझे। तो अगर आप वहां पे अच्छा कर सकते हैं तो मतलब बेशक आप ये पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हैं, जब आपने सोच लिया तो मतलब कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि भैया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलो, ठीक है, कि हम वर्कर हैं या फिर हम वर्किंग कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम ये वाला फॉर्म भर देंगे ए बी सी डी कोई भी, PCSROPT कोई भी, तो हमें जो है सरकार को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। देखिए ऐसा है, कंपटीशन का बहुत तगड़ा जो है इस समय हिसाब किताब है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इस समय। अगर आप किसी सरकारी जॉब में घुसना चाहते हैं, कोई सरकारी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, PCSROPT SI कोई भी, हर जगह बिल्कुल कॉम्पिटिशन, गलाकॉट कॉम्पिटिशन है। तो ये वाले जो है अपने आपने जो अपनी एक आर्टिफिशियल दुनिया बना रखी है ना, इससे बाहर निकलो। अगर कंपटीशन में जाना है तो वहां पे उन छात्रों को देखा करो जो दिन रात एक करे रहते हैं, आपको उन्हीं में से तो बीट करके सीट लेनी है। तो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल जाओ, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोचना चालू करो। एक ये समझिए कि अगर आप में चाह है तो राह निकाल लोगे आप, साफ बात। अगर वर्किंग भी कर रहे हो, लंच टाइम को मिलता होगा आपको, टी ब्रेक मिलता होगा, ट्रैवलिंग करने का टाइम आपको मिलता होगा जब आप ट्रैवल करते होगे कहीं, वर्किंग जो जहां करते हो वहां पार्टी होती रहती है उसमें टाइम मिलता होगा, फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारा जो है टाइम आप निकाल सकते हो इन सब जगह से। टाइम मैनेज करना सीखो। अगर आप दिन में काम कर रहे हो, मान लीजिए एकदम सुबह से शिफ्ट चल रही है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, तो भैया शाम को टाइम निकालो, रात को टाइम निकालो। अगर आप जो है दोपहर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक करते हो जनरली जो जॉब करते हैं लोग, तो थोड़ा टाइम सुबह निकालो, थोड़ा टाइम रात को निकालो, टाइम आप ही को निकालना पड़ेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं देता है, भले ही कुछ जो है एनसीसी एनसीसी को थोड़ा बहुत जो है प्रेफरेंस दे दिया जाए, लेकिन वर्किंग ऐसा नहीं होता है कि अगर आप वर्किंग हो तो आपको जो है पहले एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करो। इसमें आपको एक चीज और यहां पर जज करनी पड़ेगी कि कौन आपके लिए ठीक चीज है। मार्केट इस समय इतनी भरी पड़ी है, बिल्कुल जो है मार्केट यूट्यूब में भी सब्जी मंडी लगी पड़ी है। आप लाइव क्लासेस अगर देखना चालू करो, सुबह से लेकर रात तक जो है लाइव ही लाइव चलता है, भजन चलता रहता है हर जगह। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब जो चल रही है चीजें, इनसे आपको निकलना पड़ेगा। 4 घंटे 5 घंटे लाइव क्लासेस में बर्बाद करने से बढ़िया है टू द पॉइंट लेके पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विस से पढ़ो, आपको जहां से बनो वहां से पढ़ो, अपना खुद ये वाली चीजें रिसर्च करो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो, 2-4-5 दिन अगर आप रिसर्च करोगे तो चीजें पता चल जाएंगी। एक्चुअली वहां से पढ़ो जहां से सिलेक्शन होता है, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस कमिटेड है कि भैया UPPCS के लिए हमने लगातार इतनी मेहनत, देखिए हम इसीलिए हर जगह जो है हर जगह हर नाव पे पैर नहीं रखते हैं, मैं ज्यादातर यूपी एग्जाम को ही फोकस करता हूँ। कई लोग मुझसे नाराज रहते हैं कि राजस्थान का क्यों नहीं खोला या फिर जो है और MP का क्यों नहीं खोला, कई सारे जो है छात्र परेशान है। मैंने बोल दिया है पहले कि हमारी एक टीम है, हम उसमें सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहले मुझे, मैं पहले सबसे सिलेबस देखता हूँ किसी भी एग्जाम का, अगर मुझे ये चीज समझ में आ गई कि हाँ मैं इतना काबिल हूँ कि इसमें हमारी टीम मतलब मैं या फिर हमारी टीम पूरी इसमें अच्छा कंटेंट देके स्टूडेंट को सिलेक्ट करवा सकते हैं, तभी हम उसमें हाथ डालते हैं। यही चीज आपको भी करनी है कि ये जेन्युइन लोगों को पहचानिए। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस को कई लोग सोचते हैं इनके सब्सक्राइबर कम है, इसलिए इनको ना फॉलो करो। कई सारे मेरे पास कल से कमेंट आए 30-40 हजार PT के एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विस से सारे के सारे क्वेश्चन आने के बाद अब जो है लोगों को पता चला है कि भैया 10-15 मिलियन से कुछ नहीं होता है, कंटेंट पे फोकस करना पड़ता है। लाइव क्लास बिल्कुल बकवास है मेरे हिसाब से, तो टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। आपको मिलेगा नहीं 24 घंटे, सबके पास है, आपके पास भी उतने ही 24 घंटे हैं, निकालिए टाइम। अगर आप लंच कर रहे हैं, आधे घंटे का लंच है, 45 मिनट का लंच है, खाना खाते खाते कुछ जो है कोई लेक्चर सुन लीजिए, कोई PDF पढ़ डालिए। हमारे पेड ग्रुप में कई सारी क्विजेज चलती हैं फ्री वाले में, उसमें अपना एक हाथ से पढ़ते जाओ, एक हाथ से खाते हो, कुछ अपना क्विज करते जाओ। कभी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते टाइम जैसे मान लीजिए मेट्रो में कर रहे हैं, कैब में कर रहे हैं, उसका टाइम यूज करो। गाने क्यों सुन रहे हो? अरे गाने सुन लेना जब आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। अगर आप वर्किंग होते हुए भी कोई दूसरा कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना चाहते हो, मतलब कुल मिला के कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेहनत करो ना थोड़ी। एक्स्ट्रा प्रेफरेंस कोई नहीं देता है आपको। हाँ ये जरूर आपके पास एक भैया वर्किंग हो अगर, तो आपके पास भैया पैसे रहते हैं, आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रहती है, तो आप चाहे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं से भी जहां से आपका मन हो ज्वाइन करिए। सोशल होना बंद करो। फेसबुक में भी भैया अपडेट देखना भैया जी को कि उन्होंने गाड़ी ली है तो उनको विश करेंगे जाके, उनका बर्थडे है दीदी जी का तो हम हैप्पी बर्थडे लिखेंगे जाके डियर दीदी जी, ये वाली बड़ी समस्या है। आप देखिए फेसबुक में कि कोई भी, मैं देखिए मैं लड़की लड़कियों में कोई ऐसे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जनरल सा जो मेरा ऑब्जर्वेशन वो बता रहा हूँ। अगर एक लड़की का जो है बर्थडे है या फिर उसने हाय लिख दिया, जबरदस्ती हाय हेलो हाय कैसी हो तुम, क्या कर रही हो तुम, वहां रहती हूँ मैं भी वहीं रहता हूँ,
कौ ऐसा ऐसा जो है वो निकाल दे एकदम कोइंसिडेंस कि अगर आप यहाँ पढ़ती हो वो पढ़े भी ना हो कभी, हाँ मैं भी यहीं पढ़ता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं वहीं हमेशा से, मेरा इतिहास वहीं रहा है, मेरे पूर्वज वहीं के रहे हैं। अरे मेरे कैसा नोवा के भतीजों, छैल छबीले लबरीलो, भैया इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लो, इतना कंसंट्रेशन अगर पढ़ाई में लगा लो तो आराम से कॉम्पिटिशन निकल जाइए। देखिए प्यार मोहब्बत इश्क धोखा इन सबकी भी एक उम्र होती है, जिंदगी भर अगर आप इसी के पीछे पड़े रहोगे तो करियर नहीं बन पाता है। और कुल मिला के सिंपल बात यह है कि जब आपको पढ़ाई करनी है तभी आप पढ़ाई करो, अगर आप पढ़ाई करते टाइम ये लिबिर लिबिर कर रहे हो हर जगह ना, तो जमाना आपको धर के पहले गई। देखिए वक्त को बर्बाद मत करिए, वक्त जिसने बर्बाद किया वक्त ने उसको बर्बाद किया, साफ बात, इतिहास गवाह है। एक और चीज है कि पढ़ाई करने का कोई टाइम आइम ऐसा नहीं होता, जब आपका मन करे तब पढ़ो, सिंपल बात यह है, जब दिल कहे जब मन करे, लेकिन वो मन से आग आनी चाहिए ऐसे नहीं। और दूसरी एक और चीज है कि भैया अगर आप सक्सेसफुल हो तो सारी चीजें सही हो जाती हैं। आप देखिए हर बार जो है पीसीएस आईएएस में हजारों टॉपर निकलते हैं, तो अगर वो सबकी आप स्ट्रेटेजी मानने लगोगे तो फिर कैसे आप सिलेक्शन ले पाओगे। अरे भैया हर एक की इंडिविजुअलिटी अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक की हॉबी अलग है, समझ रहे बात आप। अगर वो सारे एक ही आदमी किसी एक टॉपर की स्ट्रेटेजी मानते होते तो क्या वो कभी सिलेक्ट हो पाते। सबकी बात जरूर सुनिए लेकिन करिए अपने मन की चाह अंदर से होनी चाहिए। एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हो ना तो सारे लोगों की राय बदल जाती है। अगर आप जो है पढ़ते पढ़ते मुटा गए होगे तो कहेंगे कि हाँ ये पढ़ते पढ़ते मुटा गया। अगर आप नहीं सिलेक्शन हुआ तो कह देंगे साला इतना खाता था कि देखो मोटा हो गया, पढ़ने में दिमाग लगता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं, वो सारी जो स्टीरियोटाइप बदल जाते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो इसीलिए आपको उसी डायरेक्शन में सोचना चाहिए। जब आपको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़िए, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़िए, पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी जो जॉब के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से, क्या आपकी प्रायोरिटीज उनके हिसाब से। लेकिन जब पढ़िए तो सिर्फ पढ़िए और जुट जाइए बिल्कुल। अगर हमारे पेड ग्रुप में या फिर किसी भी जो है फ्री ग्रुप में किसी ने भी ऐसी कोई बदतमीजी कर दी, इनडिसिप्लिन कर दिया, लड़की हो या लड़का हो कोई भी, आप किसी दूसरे की प्राइवेसी को मत भंग करिए। बस सोशल कम करिए, फेसबुक में कम लॉग इन होइए, इंस्टाग्राम की अपडेट बाद में देख लेना, जो इंस्टाग्राम की रील है वो जिंदगी भर चलेंगी, उन लोगों के पास कोई हिसाब तो है नहीं कुछ काम, तो आप का है अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो यार। इंटरटेन करना है, राज्यसभा टीवी खोलो, देखते जानते दे कुछ, उसमें कई सारी जो है बढ़िया जियोपॉलिटिक्स की चीजें होती हैं, एक्सपर्ट लोग आके बैठ के बताते हैं सारी चीजें। मेरे हिसाब से अगर न्यूज चैनल आपको देखना ही है कोई तो डीडी न्यूज और राज्यसभा, इससे बढ़िया कोई न्यूज चैनल नहीं है। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विस तो लाता ही है, करंट अफेयर टू द पॉइंट, सीधा करंट अफेयर पढ़ लो। अगर थोड़ा बहुत खाना होना खा रहे हो तो थोड़ा न्यूज देख लो, ये वाली चीजें। पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए, ऐसे जो वर्किंग वाले लोग हैं हाउसवाइफ्स हैं इनको ज्यादा वीडियो में लबर लबर नहीं करना चाहिए, लाइव क्लास तो कतई नहीं, बिल्कुल ना है। अगर जो लोग वर्किंग होते हुए लाइव क्लास में फंसे तो उनका सिलेक्शन होना तो भगवान जो है ब्रह्मा ही चाहे तभी हो सकता है। बस क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए, फॉर्मेट समझिए, सिलेबस समझिए, बेसिक रिक्वायरमेंट समझिए एग्जाम की क्या है। ये वाला रोना नहीं चलेगा वहां कि हम वर्किंग है, अरे वर्किंग हो तो ठीक है लेकिन आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जब तक आप एग्जाम दे रहे हो। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो अपने आप को नॉर्मली समझो, एग्जाम निकाल के भले ही राजा समझ लेना अपने आप को। हालांकि एग्जाम निकाल के भी आईएएस पीसीएस बनोगे तब भी कितने राजा होते हैं वो वहां जाके जो भी आपका बॉस मंत्री होगा वो सारी चीजें बता देता है। सोच बदलनी पड़ेगी। एक और चीज, अगर वर्किंग है या फिर हाउसवाइफ है थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। किस तरह से रिस्क ले सकते हैं कि जहां पे आप जिस जॉब में हैं उस जॉब में आप कोशिश करिए, अगर छुट्टी मिल जाए भले ही जो है उसमें विदाउट पे मिले तो लेने की कोशिश करिए, एग्जाम आने से पहले जो है आपको छुट्टी लेनी चाहिए। ये सारी एनालिसिस आपको खुद करनी चाहिए। देखिए एक बेसिक जो है ये वाली कि भैया सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कितनी मेहनत है, पता होना चाहिए क्या मटेरियल है, क्या जो है किस तरह से पढ़ना है, क्या चीजें नहीं करनी है ये भी पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने कुछ जो मुझे जनरली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है लोगों को, उस हिसाब से मैंने बाकी आपको टिप्स दे दी। बाकी भैया आपकी मर्जी है, अगर आपको मानना हो मानिए, अदरवाइज जय श्री राम। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि भैया कोई भी दुनिया का टीचर, एडुकेटर, कोचिंग आपको कोई एग्जाम निकलवा नहीं सकता है, सिर्फ आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है ताकि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में लगे, टू द पॉइंट आप चीजें पढ़ें और आप उस जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो वहां पे जरूरत है वो पढ़ के सिलेक्ट हो जाए बस।